तो फाइनली दोस्तों एक्शन सुपरस्टार सनी देओल के फिल्म गदर एक प्रेम कथा को दोस्तों 2001 में रिलीज़ किया गया था और दोस्तों इस फिल्म को री रिलीज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करेंगे इस फिल्म कब तक के टोटल एडस बुकिंग कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों इस फिल्म ने 2001 में कितना कलेक्शन किया था उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करके बेल पर सेट कर देना। और दोस्तों आप सनी देओल के फैन है और उसके फिल्म गदर को देख चुके हो तो दोस्तों आपको फिल्म कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों बात करें गदर मूवी के बजट की तो दोस्तों इस फिल्म का बजट था 19 करोड़ और दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने और दोस्तों इस फिल्म के लीड रोल में आपको सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी एंड उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिले थे। और दोस्तों इस फिल्म को कल यानी कि 9 जून को रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के पहले दिन की एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म की जो पहले दिन की एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो दोस्तों 8 लाख रुपये की शानदार हासिल कर चुकी है। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में तो दोस्तों फिल्म अपने शुरुआती पहले ही दिन 15 से 20 लाख रुपये की ओपनिंग ले सकती है। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के 2001 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म का बजट था 19 करोड़ और दोस्तों इस फिल्म ने 133 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था जो कि दोस्तों बहुत ही शानदार रहा था। और दोस्तों गदर एक प्रेम कथा एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। और दोस्तों आपको क्या लगता है गदर 2 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएगी दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप ऐसी गदर एक प्रेम कथा की मूवी टेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों आपके अपने चैनल RM बॉक्स ऑफिस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।